तो ब्रॉक का अटैक 1708 से 1624 तक नर्फ हो रहा है, पर जो ब्रॉक का एक्सप्लोजन रेडियस है वो 50% से बफ हो रहा है। पर ब्रॉक का जो अटैक रेंज है वो 1 टाइल से नर्फ हो रही है, और ब्रॉक का रॉकेट फ्यूल अब एक्स्ट्रा डैमेज नहीं देगा, तो फिर जितना डैमेज पहले रहता था उतना ही रहेगा अब। तो जैकी अब एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगी बंदों को खींचने में अपनी तरफ, तो फिर ये जैकी के लिए बहुत अच्छा बफ है, क्योंकि यार मतलब बंदे भाग जाते थे जब तक वो खींचती थी, और अगर वो चल रही है और अगर वो अपना सुपर यूज़ करती है तो फिर वो सुपर वहीं पे ही रहेगा, ये नहीं कि वो वहाँ पे ही अटक जाएगी। तो अगर जैकी अपना सुपर लेती है तो फिर अगर वो वहाँ पे अटैक करती है तो फिर मतलब उस अटैक में ज़्यादा डिले नहीं होएगा। तो जो बेल का अटैक है वो 1540 से 1456 से नर्फ हो रहा है, तो फिर जो बेल का बाउंस अटैक है वो 770 से 728 तक नर्फ हो रहा है। तो फिर अब काल का गैजेट हीट इजेक्टर उसके चलने पे फायर नहीं, उसके अटैक पे फायर छोड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा ओपी दिखता है देखने में। तो अब शोडाउन प्लस में पर किल 2 ट्रॉफीज प्लस होंगे एक की सिवा, और अगर तुम मर जाते हो तो फिर तुम्हारी 1 माइनस की जगह 2 ट्रॉफीज माइनस होंगी। तो अगर तुम फर्स्ट पोजीशन आते हो और अगर तुम नौके नौ बंदों को मार देते हो तो तुम्हें टोटल 28 ट्रॉफीज मिलेंगी, जो बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं। तो फिर जो पिन सिलेक्शन का बटन था वो अब तुम्हें नीचे दिखाएगा, ऊपर नहीं दिखाएगा, और जो तुम्हारा स्किन सिलेक्शन का जो बटन हैगा वो भी अब तुम्हें नीचे ही दिखाएगा, और अब तुम टीम में रह के भी स्किन को चेंज कर सकते हो। तो स्किन रैंडमाइजर में तुम किसी भी स्किन को क्रॉस कर सकते हो जिससे वो स्किन रैंडमाइज होके तुम्हारे पास सिलेक्ट ना हो जाए। तो स्किन रैंडमाइजर में होएगा क्या कि अगर तुम कोई गेम खेलोगे तो फिर जितनी भी तुम्हारे पास जो तुमने ब्रॉलर सिलेक्ट कर रखा है उस ब्रॉलर में से कोई भी स्किन तुम्हें मिल सकती है। तो फिर एक नया फीचर है जिसका नाम है लुकिंग फॉर अ टीम फीचर। तो फिर इसमें होगा क्या कि अगर तुम इसको ऑन करोगे तो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स को दिखेगा कि तुम्हें एक टीम की ज़रूरत है, तो फिर वो तुम्हें इनवाइट करके तुम उनके साथ खेल सकते हो। तो फिर अब आ जाते हैं स्किन्स पे। तो पहली स्किन है ग्लैडिएटर कूलर, जिसकी कॉस्ट है 149 जेम्स और ये सुपर सेल मिक्स स्किन है, और अभी इसकी रिलीज डेट नहीं बताई है, और इसकी बुक पे बने हैं स्पाइक और पाइपर, और ये है इसकी अटैक एनिमेशन, और ये है इसकी सुपर एनिमेशन, और ये है इसकी विनिंग एनिमेशन, और ये है इसकी लूजिंग एनिमेशन। तो नेक्स्ट है V8 बिट, जिसकी कॉस्ट है 79 जेम्स और इसकी भी रिलीज डेट नहीं बताई गई है, और ये है इसकी अटैक एनिमेशन, और ये है इसकी सुपर एनिमेशन, और ये है इसकी विनिंग एनिमेशन, और ये है इसकी लूजिंग एनिमेशन। और हाँ, एक न्यू रोट्रोपोलिस का टैग आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा देखने में होती है। तो फिर ये रही कुछ न्यू पिंस। तो फिर अब बची हैं कुछ एनिमेटेड पिंस जो तुम्हें बैकग्राउंड में दिखी रही होंगी, और अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, लेकिन तुम्हें पिंस पीछे दिखती रहेंगी। अगर तुम्हें देखना है तो फिर तुम देख सकते हो, वरना तुम अभी लीव कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मैग की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। और अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।